फ्रैक्चर वगैरह है? डॉक्टर ने बोला इसका हड्डी टूटा हुआ है, पैर हड्डी टूट गया है। हाँ, तो अभी इसको दर्द हो रहा है? दर्द बहुत हो रहा है, तड़प रहा है। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जेके नेशनल न्यूज़, सहयोगी चैनल है खबर फेस टू फेस। मैं खड़ा हूँ महाराष्ट्र मुंबई मलाड वेस्ट का, ये मालोनी चर्च का एरिया है। आपको बता दें कि हम आपको एक अपने इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं कि जिसको आपको ये चीज़ ज़रूर महसूस करना पड़ेगा कि हर एक मजदूर की मजबूरी समझना नहीं चाहिए, बल्कि अगर ऐसा मजदूर अगर घायल होता है तो उसे ज़रूर मदद पहुंचानी चाहिए और हर किसी को ऐसे व्यक्ति की ज़रूर मदद करना चाहिए। हम ज़्यादा ना बात करते हुए ऐसे जो व्यक्ति घायल हुआ है वो ऐसा बताया जा रहा है कि जो मार्बल होता है उसे लोडिंग कर रहा था या वहाँ पर काम कर रहा था और वो वहाँ पर पत्थर गिरने की वजह से घायल हुआ है और उसके ऊपर कई पत्थर गिरे हैं, जो कि हम पूरी घटना आपको कैमरे पे दिखाना चाहते हैं और जो घायल व्यक्ति है उसके साथ में भी और स्थानीय लोग क्या कहते हैं, पूरा हम मामला आपको कैमरे पर दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई है और जो उसके साथ के लोग थे वो क्या किस तरीके से दर्शा रहे हैं। आप उनके भाई हो जी? यहाँ आइए, पूरा नाम आप अपना बताओ ना। जी, हमारा नाम हरिशंकर है, इसका विवेक नंद का भाई हूँ और इसके ऊपर 40 पार्टियाँ गिरा हुआ है सर। इसकी मदद कभी हुआ ये? ये आज 12 बजे हुआ दोपहर में। कहाँ पे हुआ ये बताएंगे आप? ये राजपूत मार्केट में, राजश्री कंपनी में। अच्छा, तो वहाँ पे जब इनके ऊपर ये ऐसी घटना हुई तो जहाँ पे ये काम कर रहे थे उनसे कुछ आपको रिस्पॉन्स मिला? हमें फोन की? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला सर। अच्छा, तो जहाँ पे ये घायल हुए हैं, जहाँ पे घायल हुए उनका सेठ का क्या नाम है? विनोद सेठ। तो उन्होंने इनको दवा दरमल किया कि नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। वो वहाँ लेके गए, शताब्दी लेके गए थे। हाँ। 5 रुपए पर्चा बनवा के यही 4-5 टेबलेट दिलाई दिया। हाँ। और टेबलेट भी दिया हूँ, दर्द खत्म नहीं हो रहा है। इसका पैर टूटा हुआ है। कहाँ कहाँ पर इनको चोट लगी है? इसका पैर टूटा हुआ है, यहाँ पे सामने देख लिया है। अच्छा, कैमरा मैन से हम चाहेंगे कि आप इनको दिखाइए कि जो ऐसा जहाँ पे घायल हुए जो चोटें लगी हुई है इनको किस तरीके से है और कैसा अभी हालात कैसे हैं इनके। देखिए, आप देख रहे हैं कैमरे पर कि ये व्यक्ति घायल है और जिस सेठ के पास ये काम कर रहा था वहाँ पर उन्होंने ऐसी हालत में छोड़ दिया है कि अभी इसको किस, मतलब ये पेशेंट जो बन चुका है अवस्था में, यह व्यक्ति मजदूरी कर रहा था, अभी कहाँ पे जाएगा, किसके सहारे रहेगा? ये देखिए, पूरे इनके सहयोगी हैं, इनके भाई हैं, तड़प रहा है ये व्यक्ति, जबकि ऐसी अवस्था में सेठ का फर्ज बनता है कि वो हॉस्पिटल में लेके जाए और मजदूर को बाकायदा उसका इलाज करवाए, लेकिन ऐसी हालात में छोड़ दिया है कि ना तो ये आगे जा सकता है ना तो पीछे जा सकता है। अभी यह व्यक्ति ना उठ पा रहा है ना तो बैठ पा रहा है। अभी हमने इनके भाई से पूरी भी बातें सुने, आइए हम फिर से एक जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको उन्होंने कुछ बताया कि हम इनका इलाज कराएंगे या इना इलाज नहीं के लिए? वो बोले कि इलाज नहीं कराएंगे, थोड़ा मामूली चोट लगा है, स्लिप खाया है, कीचड़ था। हाँ। स्लिप खाया है, गिरा हुआ है, पत्थर नहीं गिरा हुआ। तो आपने उनसे संपर्क किया क्या कि अभी इनको फायदा कुछ नहीं हो रहा है इनको, मतलब? मैं फोन किया था सेंट को कि अभी दवा दे के 1 घंटा हो गया, कोई दर्द कंट्रोल नहीं हो रही है, उसको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। तो बोला अच्छा हॉस्पिटल, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं? हाँ। काम उनके पास रेगुलर करते थे या कभी गए? नहीं, रेगुलर करता है काम। कितने दिन से काम कर रहे? अभी तो गांव से आके इसको 3 महीना हो गया है। क्या काम करते थे? लोडिंग अनलोडिंग का काम, पत्थर लोडिंग, पत्थर का। जी सर, उनके पास सर ये तो अभी डॉक्टर ने क्या कहा, इसको कुछ फ्रैक्चर वगैरह है? डॉक्टर ने बोला इसका हड्डी टूटा हुआ है, पैर हड्डी टूट गया है। हाँ। तो अभी इसको दर्द हो रहा है? दर्द बहुत हो रहा है, तड़प रहा है। एक मिनट, आप उनके साथ वाले हो? हाँ सर, मैं उसी दुकान के बाजू में काम करता हूँ। हाँ। सर, इसको काफ़ी चोट भी आई है और लाके लावारिस की तरह इधर डाल दिया है सर, इसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना। आप वहाँ पे थे जब? मैं था नहीं सर। हाँ। बाजू में काम कर जब सुना तो ये लेके जा चुके थे, वहाँ पहुँचा जब तो ये देखा कि वहाँ पे कम से कम 30-40 पार्टियाँ टूटा पड़ा हुआ था इनके ऊपर। और ये बोल रहे हैं सर कि पैर स्लिप करके गिरा है, पैर नहीं स्लिप किया है, खड़ा पार्टियाँ लगा था तो ये माल लेके जा रहा था तभी ये पार्टियाँ उनके ऊपर आया। वहाँ के वर्कर ने बताया, ये उसके साथ काम कर रहा था सर।
आप बताओ कि आपने क्या देखा वहाँ पे जिस समय इनको चोट लगी? वहाँ पे हेल वाले थे, बस उधर से पार्टियां चली और पूरा पलटी मार गया इनके ऊपर। हाँ, इनके ऊपर। सेठ तो कह रहा है, रिपोर्ट लगाया है कि जो हॉस्पिटल रिपोर्ट आया कि चलते वहाँ चल रहे थे, नहीं चलते चलते फिसल गए। नहीं चलते चलते नहीं, मतलब ये बात गलत है। हाँ, हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है वो गलत है। आपने जो देखा है कि इनको मतलब वहाँ पे पत्थर इनके ऊपर गिरा है? हाँ, पत्थर इनके ऊपर गिरा है। ये आप पूरी जानकारी देखिए, आप जो मजदूर थे साथ में थे, सहयोगी थे, कैसे बता रहे हैं कि क्या हुआ है। एक अपना जो साथी होता है, जो अपना भाई होता है, उसका दर्द क्या है, किस तरीके से अपना दर्द बयान कर रहे हैं। और सेठ जो होता है कि सिर्फ मजदूरों से मजदूरी कराता है और वह मजदूरी करा करके सिर्फ सेठ कहलाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपको महाराष्ट्र मुंबई मलाट से हम दिखा रहे थे। हम आगे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ के स्थानिक और लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आप यहाँ के स्थानिक हो, जो अभी ये घटना है उसके बारे में बताइए ना कैमरे के। मैं ऑल इंडिया लेबर माथाड़ी जनरल यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ, भाई सुदेश जी ठोमरे बंधु, इनके नेतृत्व में हम यहाँ पे यूनियन का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में जो सहयोगी जिलोपाध्यक्ष राजेश यादव है, हमारे किरण पुजारी है, अमित कटारिया, अरशद खान और सभी हमारे साथी, इन जो मजदूर लोगों के ऊपर जो आज दुर्घटना घटी है, जो ये जो मालिक है मार्बल का, जो राजश्री मार्बल का जो मालिक है, इसकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। और मालिक कौन है? विनोद सेठ करके मालिक है। इन्होंने ये जब उसको हादसा हुआ, जो लादी इसके पैर पे गिरी, बहुत सारी लादी गिरी ऐसा जानकारी लिया, 40-50 पार्टियाँ उसके अंग पे गिरने के बाद वो जो युवक है उसकी जो घायल हुआ है, आप देख कैमरा में देख रहे हैं, लेकिन इसको तत्काल अच्छे इलाज हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने एक मलम पट्टी करने के बहाने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रुग्णालय लेके गए और इन्होंने इस मैटर को दबाने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन को भी ये घटना नहीं मालूम है, ये कामगार लोग है, दबे कुचले लोग है, इनका आवाज़ बनने का हम प्रयास करेंगे। इनको जो सरकारी खामियाजा है, जो सरकारी सरकार से जो मुआवजा मिलना चाहिए, उनके लिए हम लड़ेंगे। हमारे भाई सुदेश जी ठोमरे के मार्गदर्शन से हम इस जो बेरोजगार है, ये जो रोजगार असंगठित रोजगार है, ये हमारे यूनियन के भीतर उनको न्याय दिलाने का हम प्रयास करेंगे। और जो मालिक है मार्बल का, जो मालिक है विनोद कुमार, उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसके ऊपर कड़ी के कड़ी ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ये जो रोजगार है, ये जो मजदूर है, इनके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी ये जो अभी वीडियो में घटना देखने को मिल रही है, ये ऐसा दर्शा रही है कि मजदूर को मजबूर होने दिया गया और उसको हॉस्पिटल में ना ले जाकर के ऐसी हालत में छोड़ा गया। अगर इसके साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो इसके बारे में क्या कार्रवाई हो सकती है आपके यूनियन की तरफ से? यूनियन के तरफ से ऐसा कुछ हादसा होता, पहले तो देखो जो मजदूर है इनको सेफ्टी कुछ नहीं है। हमने देखा वहाँ पर, इधर जो मार्बल की कंपनियाँ हैं, हर जगहों पे जाके देखा कि इन लोगों की हालत जब देखा तो इनको कोई सेफ्टी नहीं है, ना बूट है, ना कुछ है, ना ग्लोव है, ना कुछ नहीं है। ये सब जवाबदारी इन लोगों की होती है, मार्बल वालों की। कल इनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इन लोगों को ऐसे ही दबा देते हैं। और ऐसे कई लोग इन मैटर से जूझ रहे हैं। अभी समझो हम लोग अगर नहीं आते तो ये मैटर दब जाता था। इन्होंने मलम पट्टी करके ये मैटर को रफा दफा करने का प्रयास किया। मैं चाहता हूँ कि जो राजश्री मार्बल का जो मालिक है विनोद कुमार, उन्होंने कम से कम इसको अच्छे हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी तरह से अगर इलाज कराया होता तो अभी इतना तड़पता नहीं था। लेकिन उसकी जो हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो बहुत शैतानी वृत्ति का आदमी है, और उसके खिलाफ़ में हम ऑल इंडिया माथाड़ी लेबर जनरल यूनियन के माध्यम से अच्छी तरह से आंदोलन करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे थे ऑल इंडिया माथाड़ी जो यूनियन के लीडर हैं इस समय सुरेश वाघमारे जी, एक दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे थे, साथ में हैं आप देख रहे हैं कैमरे पर। और काफ़ी यहाँ पे जो मजदूर हैं, कैमरे पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे लोग खड़े हैं,
कि वो एक चाहत लेके खड़े हैं कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरी मदद करे। जो सेठ है वो अपना हाथ ऊपर कर चुका है इस समय घायल व्यक्ति के साथ में। देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े जो पत्थर का वजन उठाते हैं अपने पेट के लिए, और उस सेठ ने छोड़ दिया है इनको भूखे पेट के लिए। हम आपको आगे दिखाते हैं कि आगे पुलिस क्या या प्रशासन इनके साथ में किस तरीके से मदद करता है, और ये यूनियन जो आपके सामने यूनियन के लीडर खड़े हैं उनको मददगार बनने में कितनी सहायता प्रदान करते हैं।